हम बहुत ही लकी हैं कि एक अमेजिंग टाइम में रहते हैं। अगर आपके पास बताने के लिए एक कहानी है या बहुत ही अच्छा आइडिया है तो आप एक किताब लिख सकते हैं और इसे पब्लिश भी कर सकते हैं, जिससे ये अरबों लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। आज के इंटरनेट वाले जमाने में मुझे लगता है कि हर किसी के पास बताने के लिए एक कहानी या अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस या नॉलेज होती है, जिसका लाभ, जिसका प्रॉफिट उन्हें उठाना चाहिए। एक किताब पब्लिश करना राइटिंग से भी ज्यादा कठिन लग सकता है, लेकिन सही गाइडेंस के साथ सब पॉसिबल और आसान है। तो अपनी बुक को पब्लिश करने के लिए आपको एजेंट्स या ऑनलाइन डिजिटल पब्लिशर्स के पास ले जाने से पहले ये कंफर्म करना होगा कि ये एवरेज रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड बुक को पूरा कर रहा है या नहीं। एक बुक को पब्लिश करने में बहुत ज्यादा रिसर्च, प्रिजर्वेंस और पेशेंस लगता है, लेकिन ये आपके काम को प्रिंट में देखने लायक बना देगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी बुक को कैसे पब्लिश किया जाए तो इन बहुत ही इजी स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। आपको हेल्प करने के लिए इस वीडियो से हम आपको स्वयं एक बुक को पब्लिश करने के बारे में बहुत ही आसान स्टेप्स बताने जा रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं और बताते हैं कि बुक ऑनलाइन कैसे प्रकाशित करें। सबसे पहले आता है कि आप अपनी किताब लिखें। सबसे पहले आपको अपनी कहानी जो आप किताब के माध्यम से पब्लिश करना चाहते हैं, जो भी कंटेंट है, आप उसे लिखिए और पूरा कीजिए। आप अपना कंटेंट कंप्यूटर के वर्ड फाइल एप्लीकेशन या गूगल डॉक्स में लिख सकते हैं और पूरा होने से उसे आप पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रोसेस में आपकी कहानी यानी कि आपका जो भी कंटेंट है वो काफी बार एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग एंड फॉर्मेट करनी पड़ेगी। इसे पूरा होने के बाद आपको ये कन्फर्म करना होगा कि कौन सी टाइप की कहानी आपने लिखी है, जैसे कि फिक्शन या नॉन फिक्शन। दूसरे नंबर पर आता है अपनी बुक का फीडबैक प्राप्त करें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अपनी लिखी हुई कहानी को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक लेना जरूरी है। क्रिएटिव राइटिंग से फैक्चुअल राइटिंग, नॉन फिक्शन राइटिंग अर्थात किसी भी प्रकार की राइटिंग में फीडबैक लेना जरूरी होता है। एक पॉलिश पब्लिकेशन के उत्पादन करने के लिए न केवल आपकी पुस्तक पर टाइपोज और ग्रामेटिकल एरर संबंधी को पकड़ने में आपकी मदद कर सकता है, बल्कि एक नया पर्सपेक्टिव आपको अपनी कहानी को कसने और विषय को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए थॉट्स भी दे सकता है। एक अच्छा फीडबैक कॉस्ट ऑफ प्रोफेशनल एडिटिंग को कम करता है। फीडबैक आप अपने जान पहचान वाले से या जो किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं उनसे ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन रीडर्स फोरम होते हैं या राइटिंग वर्कशॉप्स होते हैं उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं और फीडबैक ले सकते हैं। फिर आता है हायर अ ग्रेट बुक एडिटर। प्रोफेशनल एडिटर की मदद से एक अच्छी किताब महान बन सकती है। आपने अपने कंटेंट लिखने में अपना काफी सारा टाइम और एनर्जी दी है, अब लास्ट में इम्पोर्टेंट कदम उठाएं और एक प्रोफेशनल बुक एडिटर को हायर करें। हम चाहते हैं कि आपकी ऑनलाइन सेल्फ पब्लिश बुक वो हो जिस पर आने वाले सालों तक आपको गर्व हो, प्राउड हो। एक प्रोफेशनल बुक एडिटर के पास कॉन्टेंट को परखने की तेज नजर होती है और उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ डिफरेंट स्टाइल एंड यूजेस का ज्ञान भी होता है, तो वो विशेष रूप से आपकी किताब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इससे आपको काफी फायदा होगा। इसके बाद आता है बुक का टाइटल चुनें। अगर आप एक अच्छा कंटेंट लिख चुके हैं और फिर आपको शायद इस बात का अच्छा अंदाजा हो गया है कि आपकी किताब का टाइटल क्या होगा, लेकिन अगर आप इस पर श्योर नहीं है और आपको लगता है कि आपको मैच करने के लिए एक नए बुक टाइटल की जरूरत है, तो अब एक अमेजिंग बुक टाइटल चुनने का टाइम आ गया है। उसके लिए खास तौर पर तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो है, पहली, बुक टाइटल शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए। नंबर दो पर आता है कि बुक टाइटल रीडर्स में उत्सुकता प्रदान करना चाहिए, उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। और लास्ट में बुक टाइटल इम्पैक्टफुल होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम किताब के टाइटल से ही डिसाइड करते हैं कि कहानी किस बारे में है, कहानी का सब्जेक्ट क्या है या कहानी किस तरफ आपको ले जाएगी। तो जो पहला इम्प्रेशन होता है वो आपकी कहानी का टाइटल का 101% पड़ता ही पड़ता है, तो ये बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है एक आकर्षक और अद्भुत बुक कवर डिजाइन करें। जब यहाँ पर सेल्फ पब्लिशिंग की बात आती है तो एक उच्च गुणवत्ता वाला बुक कवर सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स में से एक है, जो आपकी बुक को अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग बना देता है। कारण ये है कि आपकी बुक कवर डिजाइन वही है जो पाठक पहले देखते हैं और तुरंत ये निर्धारित करते हैं कि वो आपकी किताब पढ़ना चाहते हैं या नहीं। तो एक अच्छे बुक कवर के लिए आपको एक कवर डिजाइनर की जरूरत पड़ेगी, जो अपने प्रोफेशनल एक्सपर्टीज से आपके विजन को बुक कवर से जोड़ देगा और आपका बुक कवर ब्यूटीफुल एंड मार्केटेबल बना देगा। तो बुक कवर डिजाइनर्स आपको फ्रीलांसिंग साइट्स जैसे कि हैप्पी सेल्फ पब्लिशिंग,
ईबुक लॉन्च, 99 डिजाइंस फाइवर और अपवर्क में मिल जाएंगे। आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनको हायर कर सकते हैं। अब अगला स्टेप आता है बुक्स मेटा डेटा। मेटा डेटा एक डेटा है और ये आपकी किताब के लिए बहुत ही जरूरी है। आप इसे नहीं जानते होंगे, लेकिन आपकी पुस्तक को, आपकी किताब को दुनिया भर में इसके मेटा डेटा के माध्यम से पेश किया जाता है। मेटा डेटा एक येलो पेज के विज्ञापन के रूप में सोचा जा सकता है, जो आपकी बुक से रिलेटेड सारी जानकारियों को लिस्ट करता है, जिसमें शामिल है बुक टाइटल एंड सब टाइटल यानी कि शीर्षक और उपशीर्षक, छोटी और लंबी पुस्तक विवरण यानी कि शॉर्ट एंड लॉन्ग बुक डिस्क्रिप्शन, ISBN, लेखक और कॉन्ट्रीब्यूटर के नाम यानी कि बायो ऑफ ऑथर एंड कॉन्ट्रीब्यूटर, पुस्तक विषय यानी कि बुक का सब्जेक्ट, पुस्तक कवर की छवि यानी कि इमेज ऑफ बुक कवर, विदेश जहां पर आपकी किताब बेची जाती है, और बुक की टारगेट मार्केट के साथ साथ उसका प्राइस यानी कि उसकी कीमत। पुस्तक मेटा डेटा वो है जो अमेज़न और सर्च इंजन जैसे कि गूगल आपकी पुस्तक को, आपकी किताब को लिस्ट करने के लिए उपयोग करता है, ताकि रीडर्स आपकी बुक की खोज कर सके। यूजिंग सर्च फीचर ऑन अमेज़न और गूगल मेटा डेटा बुक सेलर के माध्यम से आपके पोटेंशियल रीडर्स को वो सब कुछ बताता है जो उन्हें आपकी किताब के बारे में जानने की जरूरत है। जब आप अपनी किताब पब्लिश करते हैं तो आपके द्वारा एंटर्ड किया गया सभी डेटा मेटा डेटा होता है। आप अपने अमेज़न राइटर सेंट्रल पेज का उपयोग करके और भी अधिक मेटा डेटा जोड़ सकते हैं। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, जो है पब्लिश करें बुक को। अब आप लास्ट में आनंद पूर्वक से अपनी किताब पब्लिश करने के लिए तैयार हैं। अमेज़न और अन्य ऑनलाइन पब्लिशर्स आपको अपलोड प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप के माध्यम से ले जाते हैं, और जब तक आपके पास आपकी कंटेंट तैयार है तब तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नीचे दिए गए स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप एंटर कीजिए टाइटल एंड मेटा डेटा, फिर आप अपलोड कर दीजिए अपना कंटेंट यानी कि जो लेख आप बुक के माध्यम से पब्लिश करना चाहते हैं, फिर ऐड योर बुक कवर, और लास्ट में आप बुक की कीमत जिसे बोलते हैं प्राइसिंग रखिए और पब्लिश कर दीजिए। प्राइसिंग ऑफ बुक एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है जो प्रत्येक लेखक को अपने लिए करना चाहिए। अगर ये आपकी पहली किताब है और आपका मुख्य टारगेट है फेमस होना, पॉपुलर होना, तो आपको अपनी किताब की कीमत कम रखनी चाहिए। आप सीमित समय के लिए अपनी पुस्तक को सस्ता या मुफ्त भी रख सकते हैं, जो आपके डाउनलोड और प्रमोशन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी साबित हो सकता है। अब ये सोचना है कि क्या अमेज़न के अंदर बुक पब्लिश करना है, तो इसका जवाब है अमेज़न में एक सेल्फ पब्लिशिंग सर्विस है जिसे किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग यानी कि KDP कहा जाता है, जहां पर आप अपनी किंडल ईबुक, पेपरबैक और ऑडियो बुक्स का निर्माण और मैनेज कर सकते हैं। अमेज़न ने हाल ही में फेमस बुक प्रिंटिंग कंपनी क्रिएट स्पेस अक्वायर किया है। इसका मतलब है कि आप अपने पोटेंशियल रीडर्स को प्रिंट पुस्तकें प्रदान कर सकते हैं। किसी भी किताब को पब्लिश करना और जल्दी से बेचना शुरू करना, ये सीखना सबसे अच्छा तरीका है, और इसे अपनी सेल्फ पब्लिश बुक के लिए उपयोग किया है। आज के मार्केट में नए राइटर्स के लिए KDP बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन हर अच्छी चीज का भुगतान भी करना पड़ता है। वैसे ही अमेज़न ऑथर्स को रॉयल्टी पेमेंट से पहले कुछ परसेंटेज काट लेता है। अमेज़न के दो प्लान चलते हैं, जिसमें से एक में अमेज़न 30% यानी कि 30% तक काटता है, यानी 70% ऑथर को रॉयल्टी देता है, एंड दूसरे में अमेज़न 65% काटता है, यानी कि 35% ऑथर को रॉयल्टी देता है। इसीलिए सारी चीजों को देखकर आपको बहुत ही समझदारी के साथ डिसीजन लेना होगा। इसके बाद अगला सवाल है कि आपको अमेज़न के बाहर पब्लिश करना चाहिए, तो इसका जवाब है कि अमेज़न के अलावा काफी पब्लिशिंग साइट्स जैसे कि माइंडस्टर मीडिया पब्लिशिंग, स्मैशवर्ड्स, लुलू पब्लिशिंग, बार्न्स एंड नोबल, एप्पल बुक्स और भी बहुत सारे, जहां पर आप अपनी बुक को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके पब्लिश कर सकते हैं। तो पहली बार के लेखकों के लिए अमेज़न एक्सक्लूसिव जाना अक्सर सबसे अच्छा चॉइस होता है, केवल इसीलिए कि बदले में इतना कुछ प्रदान करता है। अमेज़न KDP सिलेक्ट आपको प्राइस प्रमोशंस को चलाने की परमिशन देता है, और अपनी किताब को किंडल अनलिमिटेड लाइब्रेरी में जोड़ने से अधिक रीडर्स इसे पा सकते हैं। लास्ट में आता है पब्लिश की हुई किताब की मार्केटिंग करना। किसी भी बुक को पब्लिश करके उसकी एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, प्रमोशंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये सोशल नेटवर्किंग और कनेक्शंस को बढ़ावा देने के बारे में भी है, जो आपको और आपके फैन बेस को रिवॉर्ड कर सकता है। एक अच्छी मार्केटिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसिस्टेंट एफर्ट से सक्सेसफुल होता है। मार्केटिंग के लिए इन सारे स्टेप्स को फॉलो करें। अपनी वेबसाइट पर अपनी बुक का लैंडिंग पेज पब्लिश करें, अपनी आने वाली किताब के बारे में ब्लॉग पोस्ट करें, सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम में अपनी बुक की प्रमोशन करें, अपने अमेज़न पेज पर एक एफिलिएट लिंक सेट करें ताकि आपको किताब की बिक्री पर कमीशन मिल सके।
अपनी किताब से कुछ सैंपल चैप्टर्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट पर बुक के बारे में वीडियो क्लिप से लिंक करें। नई रिलीज या अपनी प्रेजेंट ब्लॉग पोस्ट के बारे में अपने ईमेल सब्सक्राइबर से सीधे कम्युनिकेट करें। किताब पब्लिश करने की जर्नी थोड़ी रिस्की हो सकती है, लेकिन अगर आप खुद को एडिक्वेट रूप से तैयार करते हैं और अपने आप को सही लोगों के साथ घेरते हैं, तो ये आपके लाइफ के सबसे सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंसेस में से एक हो सकता है। और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो ने आपको काफी सपोर्ट किया होगा एक बुक लिखने और ऑनलाइन पब्लिश करने में क्या स्टेप आपको फॉलो करना है इसे लेकर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करने के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी ऐसी दिलचस्प जानकारी, इनोवेटिव जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। धन्यवाद।